और ये देखो किसी की ना हैमर गिरी हुई रोड के ऊपर, आगे से कोई नहीं आ रहा, पीछे से कोई नहीं आ रहा, लेकिन काफी डाउन के ऊपर खड़ा हूँ, हैमर मेरे को दिखाई देगी। मेरी स्पीड थी 20-30 की, तो ट्रक मेरा आराम से रुक गया। ये लो सुबह सुबह अपने को फायदा हो गया। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए भाई जी। स्वागत है आपका अगले ब्लॉग में। पिछले ब्लॉगों ने आपने देख लिया होगा मैं कैसे गिर के उठा हूँ, और फिर कल आपने देखा होगा कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। और आज हमने सबसे पहले ड्रोन शॉट दिखाए कि विंटर में जब पहाड़ों के ऊपर स्नो पड़ती ना, हरे हरे रंग के ऊपर जब वाइट रंग की स्नो होती है ना, तो उसका एक नज़ारा अलग होता है, और ऊपर से जब सनराइज हो रहा होता है ना, तो उसका भी एक अलग से नज़ारा और व्यू दिखाई देता है। यूकॉन टेरिटरी में आज हम चल रहे हैं। मैं सुबह वारसा लेक से मैंने स्टार्ट किया था, और मैं अभी व्हाइट हॉर्स की तरफ जा रहा हूँ। व्हाइट हॉर्स तकरीबन 400 किलोमीटर के पास में होगा। यूकॉन टेरिटरी, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, एक ही मेन शहर है व्हाइट हॉर्स, उसके बाद में दूसरा शहर आ गया डॉसन सिटी, और ऐसे करके छोटे छोटे और भी टाउन हैं, लेकिन ये दो मेन शहर हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे माइंस हैं, गोल्ड माइंस, जिंक की माइंस, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को इस टेरिटरी को डेवलप करना पड़ा, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे अभी बहुत डेवलपमेंट होगी आगे से पहले। जैसे ही आप नॉर्थ में घुस जाते हो, तो आपकी लॉग बुक आपको पूछती है कि आप नॉर्थन टेरिटरी में घुस गए हो। अगर आपने व्हाइट हॉर्स तक जाना है, व्हाइट हॉर्स से वापस चले जाना है, तो फिर आपको जरूरत नहीं है चेंज करने की। लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद मैं अभी नॉर्थ में 5-4 दिन रुकूंगा, तो इसलिए मैंने अपनी जो लॉग बुक है वो मेरे को ऑफर आई थी लॉग बुक के ऊपर, मैंने चेंज कर ली। अभी मेरे को ड्राइविंग टाइम है वो नॉर्मल से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। आज हम यूकॉन टेरिटरी छोड़ने की कोशिश करेंगे और एक नई टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बोल दूं कि भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अपने भाई का, चैनल कर लो सब्सक्राइब, तभी आगे बढ़ेंगे। कर दो जल्दी। बस जब भी आप यूकॉन टेरिटरी में आते हो ना, तो अपना डीजल कहाँ से डालना है, आपको डेप कहाँ से मिलनी है, आपको खाना कहाँ से मिलना है अगर आपके पास में अपना खाना नहीं है, तो हमेशा अपने पास सर्दियों में मस्ट है, ये सलाह नहीं है और ना ही आपको ऑप्शनल बोल रहा हूँ कि ऑप्शनल चीज़ नहीं है, सर्दियों में मस्ट आपको अपने साथ में खाने पीने का सामान रखना है, एक दो दिन का एक्स्ट्रा मेरी फ्रिज में पड़ा हुआ है, चाहे पुराना ही है लेकिन मैं खा सकता हूँ उसको गर्म करके, ख़राब नहीं है वो। मैं एक ड्राइवर हूँ, तो एज ए ड्राइवर मैं जब रोड के ऊपर चलता हूँ तो मैं फ्रेश खाना भी खाता हूँ, अगर मेरी ज़रूरत बन जाए तो मैं 10 दिन पुराना खाना भी खाता हूँ, खाने की इज्जत करता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे ठंडा पड़ा हुआ है चाहे गर्म पड़ा हुआ है। पूरे 200 किलोमीटर बाद जाके ना, 225 किलोमीटर के बाद में जाके नेटवर्क आता है भाई। व्हाइट हॉर्स से निकले हुए बड़ा बंदा बोर होता है, उसके पास में करने के लिए कुछ नहीं होता अगर रास्ता प्लेन है ना। बाहर ठंड भी है, -11-12 टेम्परेचर है। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला है मेरे को, रेस्टोरेंट नहीं है, ग्रोसरी की दुकान है। धुआं देखो कैसे निकल रहा है, धुआं, ये धुआं धुआं सा क्या है। एक बार थोड़ा सा मूव कर देता हूँ आगे पीछे, जो पानी सा बना होगा ना वो जम जाता है, फिर बाद में चक्के घूमने शुरू हो जाते हैं, फिर भी सेफ्टी अच्छी है। काफी बड़ी दुकान है भाई। खाने का सामान तो मिल गया भाई, पाइनएप्पल का जूस लेके आया हूँ, साथ में मिल गए अंडे वाले ब्रेड, यही एक खास होते हैं, बाकी इनके पास में ना चिकन बहुत कम होता है और चिकन कच्चा होता है, मैं वो खाता नहीं। 230 किलोमीटर के बाद में आया होगा, और यहाँ अंदर खाने पीने के लिए काफी सामान है, एक रेस्टोरेंट सड़क के उस पार है, तो ये ब्रिज की पहचान कर लो, अगर कभी आना है तो यहाँ पे नेटवर्क भी मिलेगा बातें करने के लिए। जिनको ये चीज़ मालूम है कि बंदे आते हैं ये बिजनेस करते हैं और हमको भी बिजनेस मिलते हैं इनकी वजह से, वो तो इज्जत मान करते हैं, लेकिन कोई 10 में से लगा लो भी 9 बंदे सही हैं, 10 में से एक आध बंदा होता है जो थोड़ा सा अलग होता है, उसको हम पसंद नहीं आते या क्या चक्कर है। जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो उसके हाव भाव से अपने को मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई ये अपने को पसंद नहीं कर रहा। ओए होए होए कैनवर, लेकिन अपना यहाँ से जाने का टाइम हो गया। कार तो फिर भी कोई ना कोई दिख रही है, ट्रक तो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहा वो है पुलिस की गाड़ी, और जो कि बहुत अच्छी बात है। स्नो का लेवल देखो गाड़ियों के ऊपर, वो देखो टिंगू से ट्रैक्टर लेके साफ कर रहा है। ए ब्रदर, यू वांट अ
पास भी। ऐसे भाई पूछ लेते हैं आप पीछे आने वाले बंदे को, अगर उसको पास चाहिए तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन बोलते हैं नहीं कोई चक्कर नहीं मेरे को, तुम पे पूरा भरोसा है, आराम से चले हो, तेरे पीछे पीछे जाऊंगा। एंस रोड क्लोज किलोमीटर 76 टू किलोमीटर 148। एंस रोड अभी कौन सा है मेरे को ये भी मालूम नहीं है, पंप के ऊपर जाता हूँ पहले, फिर मैं देखता हूँ कि एंस रोड कहीं अपने रास्ते में तो नहीं आता। यहाँ पे फ्लाइटें आती हैं, ट्रेन नहीं आती, बस नहीं आती, कारें आती हैं और ट्रक आते हैं। और यहाँ से अपनी एंट्री होगी पेट्रो पास, ये एकमात्र पेट्रो पास है नॉर्थ वाली साइड में सबसे लास्ट, इसके बाद में कोई पेट्रो पास नहीं, कोई कुछ नहीं। देख लो ब्रेक मार के उसी टाइम मेरे को क्या याद आया, लॉग बुक 10 घंटे अभी भी ड्राइव बाकी है मेरे पास में, 14 घंटे की शिफ्ट है, सिर्फ नॉर्थन टेरिटरी में सिर्फ 8 घंटे सो जाओ, बुक रीसेट हो जाएगी, कोई ऑफ निकालने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, और बाकी के 16 के 16 घंटे आप ड्राइव कर सकते हो, 15 घंटे बाकी के 15 घंटे आप ड्राइव कर सकते हो और 1 घंटा ऑन के लिए। जैसे जैसे बड़े शहरों से बाहर को निकलते जाते हैं ना, पंप छोटे होते जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े पंप होते हैं, अभी ये देखो इतना ही पंप रह गया, वाटसन लेक वाला देखा था रात को, ये भी ऐसा ही है, लेकिन इसका प्लाजा है क्योंकि साथ में कारों वाला पंप है और ये कैपिटल है तो इसका प्लाजा है। ये दूसरी मशीन होती है भाई, इसे से डीजल नहीं डाल सकते, ये डीजल लो सल्फर होता है, ये अपने काम का नहीं है। मैंने ना कार्ड कूड मार दिया, सामने गोरा खड़ा है ना, तो गोरा एक ही पंप है यहाँ पे, मेरे को लगा दोनों तरफ पैप होंगे लेकिन इसके एक ही पंप है ये वाला, तो मैंने कार्ड मार के ना पंप नंबर भर दिया और वो बोलता कि पंप पहले यूज़ हो रहा है, फिर मैंने देखा तो पाइप तो एक ही है। मैंने अपना कार्ड मार के चलाने की कोशिश की उसको, लेकिन चला नहीं। भाई आपका भाई सठिया चुका है, इंडिया से आया और ऊपर से ट्रिप की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा कि सठिया गया हूँ मैं। दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा, ये देखो भाई ये भी अपने ही मशीन है, इसमें से भी हम डीजल डाल सकते हैं, लो सल्फर ही अपना होता है। ये सारी मशीनें ट्रकों वाली हैं, किसी से भी आप डाल सकते हो, बता देना चाहिए, वीडियो में बहुत सारे बंदे अपने को देखते हैं तो जहाँ पे गलती होती है मान लेनी चाहिए भाई। एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज़्यादा है ना, अभी बस 3-4 घंटे और वेट करो, फिर एक और दुनिया में, अलग दुनिया में एंटर हो जाएंगे। बहुत सारे बंदों को समझ लग भी गई होगी, बहुत सारे मेरे जैसे नए हैं उनको नहीं मालूम होगा, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे से भी बहुत ज़्यादा पुराने इस इंडस्ट्री में और कनाडा में रह रहे हैं, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि भाई कहाँ पे जाने की बात कर रहा है। डीजल अपने ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि मैं सिर्फ 450 किलोमीटर ही आया हूँ, लेकिन इसके आगे मालूम नहीं कौन सा पंप मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उससे अच्छा है कि डाल के एक बार टैंकियाँ फुल कर लेते हैं। ट्रकिंग में निकलना है ना किसी नई जगह में या किसी टेरिटरी में, तो हर एक कुछ प्लान आउट करके निकलना पड़ता है। जस्ट इन केस आपको शावर लेना है तो कम से कम 200 लीटर डीजल डाल के और पर्ची निकालना मत भूलना, नहीं तो कोई शावर के पास में भी नहीं जाने देगा। लेकिन कई जगह पे ना बड़े बंदे अच्छे लगे हुए वो पर्ची भी नहीं देखते, ऐसे ही शावर दे देते हैं। एक एक्स्ट्रा ग्लव्स लेके रख लेते हैं साथ, आगे ठंड होगी ज़्यादा, मेरे पास यही ग्लव्स हैं वो भी फटने वाले ही हैं। हेलो सर, आई एम कमिंग टू स्केल, आई गॉट परमिट इन वाटसन लेक। ओके, ये बड़ी टेंशन होती है यार, स्केल स्कूलों की टेंशन ना। अभी देखते हैं भाई साहब का मूड कैसा है। उसने सारा परमिट मेरी प्लेट पढ़ के ना कंप्यूटर में डाल के परमिट देख लिया उसने, अगर इसके बावजूद ही उसने बुला लिया अंदर तो फिर तो चक्कर ही है, फिर भी बोलते हैं रिपोर्ट विद पेपर्स। ये पंगा पाएगा कोई ना कोई, अच्छा बड़ा ट्रिप जा रहा है बाबा जी। ये कोई और पूछ रहा, देखो उसको बोलता है जाओ। मैंने तो सोचा हो गया काम फिर से, कोई नई टिकट मिल गई, लेकिन यूकॉन के झंडे के नीचे अपनी टिकट बच गई, अभी वापसी के ऊपर देखेंगे, अभी फिलहाल यहाँ से छूट गए हम। यूकॉन टेरिटरी की अपने को कोई स्केल नहीं आने वाली, अभी हम घुस जाएंगे भाई जी
जू अच्छे। मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं पागल हो रहा हूँ ये वाले व्यू देख देख के ना। आप लोग टेंशन मत लेना ठीक है, हम पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे वाले पहाड़ों के ऊपर से ट्रक लेके जाऊं। अगर सूर्य निकला हुआ रोड साफ है तो ही ये दुनिया अच्छी है ये मैं साथ साथ में बोल देता हूँ। लेकिन भाई ये तो वही तो वाल पेपर वाला हिसाब हो गया। कभी कंप्यूटरों में देखा करते थे ऐसे वाली फोटोज और आज देख लो। चढ़ाई नहीं है ज्यादा ना ज्यादा अप डाउन है, रोड प्लेन आया पिछले 100 किलोमीटर से ना। हेलो हाउ आर यू। अंदर जाने के लिए रास्ता है ना, कहीं फंसी ना जाऊं। बाहर निकलने के लिए रास्ता है, ये बड़ा देखना पड़ता है भाई। हाँ वो देखो घूम के दूसरी तरफ से रास्ता निकल रहा है बाहर। मेरे को ना एक प्रॉब्लम छोटी सी हो गई है, अभी तो बहुत खुश था लेकिन अभी मेरे को एक चीज़ आई उसने मेरे को टेंशन डाल दी। वही बात हो गई ना, जब मैं व्हाइट हॉर्स में था ना तब मेरे को एस नहीं आई जो बॉर्डर क्रॉस करने वाला पेपर होता है, अभी मेरे को एस आई है। अभी मैं इसके पास में गया, अभी इसके पास में प्रिंट आउट नहीं है, अभी मेरे को फिक्र हो गई क्योंकि इसके आगे बॉर्डर तक कोई टाउन ही नहीं है तो प्रिंट आउट कहाँ से निकालूंगा। अभी ये पंगा हो गया, अपने साथ में ही चलती हैं ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें। अभी पहाड़ देख रहा था कितना खुश था मैं। ये हेन्स टाउन है, ये हेन्स टाउन है हेन्स, और ये सामने लिखा हुआ ना 3 नंबर साउथ, 3 नंबर साउथ ना बंद है, स्नो ज्यादा पड़ गई और रोड बंद हो गया। लेकिन मेरे को और कोई दुकान खुली नहीं दिख रही इस टाउन में कि ये एक पंप है और इसके पास मैं जाके पूछ सकता हूँ। इनके पास में प्रिंटर भी है फिर भी इन्होंने हेल्प नहीं की, बोलते हैं हमारे पास प्रिंटर का एक्सेस ही नहीं है। एक पेपर प्रिंट करना है यार क्या मसला हो गया, अभी बॉर्डर पे जाके तरले मारने पड़ेंगे पुलिस वालों के ऑफिसर के, देखता हूँ अभी क्या बनता है आगे। इसके कोई टाउन नहीं आएगा और यहाँ से हमने राइट लेना है। सारा मैंने सरप्राइज अपना ख़त्म कर लिया इसी के चक्कर में। हेन्स रोड, हेन्स अलास्का साउथ, अलास्का हाईवे, यहाँ से राइट लेंगे एनकरेज और फेयरबैंक्स, ये दोनों अलास्का के बड़े टाउन है। एनकरेज सबसे बड़ा, फेयरबैंक सेकंड नंबर पे। मैं देख रहा हूँ कहाँ से रास्ता जा रहा होगा ऊपर। ओ नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हो, ट्रक लेके जाने के लिए सोच रहा, वैसे देख रहा हूँ कोई रास्ता जा रहा है ऊपर के, नहीं ट्रक कैसे सीधा नहीं जाएगा भाई। ट्रक इसके ऊपर चढ़ाने के लिए ना हमको घूम घूम के आना पड़ेगा। याद रखना अगर कभी भी आपने अलगान वाला बॉर्डर क्रॉस करना है तो अपनी जो एस है वो व्हाइट हॉर्स से प्रिंट करवा के लेके ना, अगर आपके पास में प्रिंटर नहीं है। अभी मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ, जाके कनाडा वालों को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे को एस लेट मिली है, मैंने प्रिंट आउट निकालना है। आगे बैठे ऑफिसर की मर्जी होगी वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। रोड देखो सामने, वाह वाह वाह, ये गया ऐसे घूम के नीचे फिर वो कहां पहाड़ के ऊपर, वहां पे एक कैमरा होना चाहिए भाई और यहां से आपका भाई जाएगा। लेकिन मेरे को मालूम ही ना ऊपर जाके कहीं रुकने के लिए रास्ता है या नहीं, क्योंकि चढ़ाई के ऊपर नहीं रोक सकता मैं ट्रक। व्यू देख देख के बंदा पागल हो जाता है, आगे पीछे देख के आप इस ट्रैक में भी आ सकते हो, सारा कुछ आपका ही है, बस रहना रोड के ऊपर ही है, लेफ्ट जाओ राइट जाओ आगे पीछे देख के कोई मसला नहीं यहाँ पे। चढ़ जा। अगर आपने नीचे से चेने डाली है ना तो आप ज्यादा सेफ हो गए। कोशिश करो यहाँ पे आके ना गियर मत चेंज करो, नीचे से ही अपना गियर को ऐसा वाला पकड़ लो जो आपको बार बार उसको आगे पीछे ना करना पड़े गियर को। नेटवर्क कभी कभी आ रहा है, ड्रोन शॉट बार बार आ रहे हैं देखो, और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया ये तो बुरी बात है भाई। ड्रोन शॉट लेने में मेहनत सबसे ज़्यादा लगती है, ये तो मैं अपने मुंह के आगे कैमरा रख के बोल रहा हूँ, इतनी दिक्कत नहीं आ रही। ऊपर वाला करवाता है हम करते हैं, बस एक ही चीज़ का चक्कर रहता है कि इतनी दूर अगर आपके ट्रक को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बस ऊपर वाले से यही अरदास करूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर सर्विस वाला आएगा या कुछ हो गया तो भाई हजारों डॉलर्स का बिल बन जाएगा और
इसमें बचना बचाना क्या होता है, अगर एक भी सर्विस कॉल आती है ना सारे ट्रिप का सत्यानाश हो जाता है। हम तो पहले ही सत्यानाश करके आए एक ट्रिप का, क्योंकि चाहे ऑनर की इंश्योरेंस भी थी पैसे तो भी, फिर भी टाइम वेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें होती जो इंश्योरेंस कवर ही नहीं करते, छोटे छोटे खर्चे और भी बहुत होते हैं। ये हिलो से भी ज़्यादा खतरनाक है, ये ऐसा 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 जो पीछे लोड है ना बड़ा हैवी लोड है, ऐसे ऐसे जब घूमता ना मेरा दिल ऐसे 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 घूमता उसके साथ में, कभी इधर देखता हूँ कभी इधर देखता हूँ। ओए ये कौन है ओए साइकिल पे, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? हाय वेयर आर यू कमिंग? सॉरी वेयर आर यू कमिंग? आई कम फ्रॉम पनामा। वेयर आर यू गोइंग? टू अलास्का टू क्लाइम द नॉली। Oh really? Yeah, to climb the mountain. Oh, how many days? 1 year. Oh really? Yeah. That's all, man. Yeah, thank you. Okay. भाई क्या dedication है बंदे की, भाई एक साल हो गए बंदे को और सारा सामान ऊपर लेके बिनावा से आया और कहाँ तक जा रहा है ठंड में सर्दियों में। मैं तो ऐसे ऐसे बंदों को देख के मोटिवेट हो जाता हूँ भाई। ड्रोन उड़ाने के चक्कर में टाइम इतना वेस्ट हो जाता है, अभी मेरे को सुसु आई हुई है और मेरा दिल नहीं कर रहा रोकने को। ये मोटरों वाला मेरे सर्दियों में घूम रहा है, देख लो बोरे बड़े पुटे काम करते, देखो ये बीवर क्रीक टाउन है, कनाडा का सबसे लास्ट टाउन, हाईवे नंबर 197 अलास्का 43 से शुरू होता है ना एडमेंटन से, जब हम आते हैं तो पहले 43 फिर 97 फिर हो गया 1, तो अभी 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अभी हम जहाँ से थोड़ी देर में एंट्री कर जाएंगे यूएसए में, तो ये बीवर क्रीक एक टाउन है, मेरे को कहीं से चाहिए एक प्रिंट आउट। खुला है तो भाई आवाज़ लगाओ बाहर निकल के। ओ एक ट्रक वाला निकला ना कहीं से, लगता है कुछ खुला हुआ है। आज संडे है ना, संडे संडे की वजह से सब कुछ बंद है। वाह पीटर बेल्ट यहाँ पे कुछ है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है एक पेपर की वजह से हर जगह जगह में जाके पूछना पड़ रहा है भाई प्रिंटर है भाई प्रिंटर है। ये बंदे अलास्का लिंडन ट्रांसपोर्ट, ये बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट है, इसकी प्लेटें यूकॉन की है और ये पूरा नॉर्थ का ही काम करते हैं भाई। बूढ़े बूढ़े से गोरे हैं, 60-60 साल के, 55-55 साल के। लिया करण सिंह फिर से डाल एक बार जैकेट और कर अपनी। Where are you coming? Just in case if you have printer, printer. ये है असली भाई, अलास्का के ट्रक। देखिए आगे का टायर देखो, आगे वाले टायर ये माइनों में जाते हैं, आगे वाला टायर देखो इसका और वो वाले टायर भी सेम ही है। ये कहाँ स्लिप होंगे भाई, ये नहीं स्लिप हो सकते इनके पास में चैने भी बहुत होती है, अगले टायर को भी चैन डाल लेते हैं जब इनको जरूरत पड़ती है। अब ये देखो इसकी लुक देखो कितनी अच्छी है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बीवर क्रीक। अगर पेपर मिल जाए ना अपनी टेंशन ही ख़त्म हो जाए। ओह वाह काफ़ी कुछ है। मेरे को लगा विस्की की बोतलें हैं, शहद है। कहाँ गए हो भाई साहब, चाय पड़ी हुई है भाई। Hi. How are you? Good. I just need some printouts. Yeah, sure. Thank you very much. How are you guys doing? Good. Good. It's soon gonna be summer. Yeah, I know. I'm excited. Yeah, we are excited too. मजा आ गया भाई पेपर लेके एक फीलिंग आ गई पूरी अलग सी। ऐसे छोटे छोटे टाउन जो है कनाडा के मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, इनकी एक लुक ही और होती है। ये मेरे पीछे होटल देखो, इसकी लुक ही कैसी बनाई हुई लकड़ की मज़ा आता है देख देख के। चलो अभी बॉर्डर की तरफ कूच करते हैं। ट्रक की हालत तो ख़राब ही हो गई बेचारे की, अलास्का महंगा पड़ रहा है ट्रक को, कितना गंदा हो गया। आज से एक बात श्योर हो गई, किसी के पास में पेपर नहीं है तो बीवर क्रीक वाले फैंस गैस के ऊपर ला के ले लो। आपने बॉर्डर तो बहुत सारे देखे होंगे, ये कनाडा का बॉर्डर है, सबसे ज़्यादा लोग जब जहाँ से क्रॉसिंग करते हैं वो ये है।
अलकान वाला बॉर्डर बोलते हैं इसको, अलकान बॉर्डर, लेकिन ये कनाडा का, कनाडा वाली साइड हो गया। और इसमें एक और ट्विस्ट है, ये कनाडा वाली चौकी हो गई, यहाँ पे कनाडा वाले ऑफिसर बैठते हैं, जब हम उस तरफ से आएंगे तो वो यहाँ पे बैठेंगे। अगर मेरे को वहां से पेपर ना मिलता तो मैंने इस यहाँ पे ट्रक खड़ा करके इसके अंदर जाके उनको रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे को प्रिंट आउट दे दो। अभी हम लीगली तौर से यूएसए में एंटर हो चुके हैं, कैबिन जो है अपने को 30 किलोमीटर आगे मिलेंगे जाके, 30 किलोमीटर आगे। ये बड़ी गलत बात है यार, ट्रक मेरा कहाँ पे लगाया और बोर्ड देखो कहाँ पे लगा हुआ है, ये कोई बात हुई यार, ये तो पूरा धोखा हो गया अपने साथ में। हमको चाहिए होता कि भाई इसको बोर्ड को वहाँ वो आगे लगाओ, वहाँ वो वहाँ आगे, किसी के कार की किसी के ट्रक की भी फोटो साथ में आ जाए, अभी वहाँ कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा मेरे को कुछ मालूम नहीं है। ये रास्ता तो बना हुआ है लेकिन अपने लिए बना हुआ है, मेरे को तो भाई अब मेरा ट्रक भी साथ में चाहिए होता है हर बार। तो ये लो भाई, फाइनली हिस्टोरिक अलास्का हाईवे गेटवे टू द 49th स्टेट। ये भाई यूएसए की 49th स्टेट है और ये एक ऐसी प्रोविंस है जिस यूएसए की, वहाँ पे स्टेट्स बोलते हैं, चलो प्रोविंस तो कनाडा में बोलते ना, अगर यूएसए किसी बंदे ने बाय रोड आना है तो उसको कनाडा में घुस के फिर यहाँ आना पड़ेगा, बाकी सारा यूएसए से अलग है। यूएसए ने खरीदा था, इसके अंदर से इतनी ज़्यादा फायदा हो रहा है कि गोल्ड माइन, जिंक माइन और कितना तेल निकल रहा है वो अलग से, नॉर्थ पोल से बस नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अलास्का का नाम सुनते हैं ना, वो जैसे कोई भी ड्राइवर होता है, आप बोलोगे ना कि कनाडा यूएसए में, भाई अलास्का से आ रहा हूँ, तो एक अलग नज़र से आपको देखेगा कि भाई अलास्का से आ रहा है, एक है सिस्टम ही ऐसा यहाँ तक पहुँचना, और शुक्र है ऊपर वाले का, बाकी अभी और आगे बहुत जाना है, अपना सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तो सिर्फ अलास्का शुरू हुआ है अभी, अभी अलास्का के अंदर आप हम कहाँ तक जाते हैं वो एक बाद में देखने वाली अलग बात होगी। ये दो झंडे हैं, यूएसए का एक अलास्का का, मेरे को लगता है कि आगे अलास्का का एक आध बोर्ड और होना चाहिए। थोड़ा सा बैक करके ना फिर उठाता हूँ। एक घंटा और पीछे हो गया, 7:40 थे, 6:40 हो गए, देखो एक घंटा और पीछे हो गया। विनी पैक के टाइम हो गए 9:40, अभी यहाँ पे 6:40, विनी पैक से मैं 3 घंटे पीछे हो गया, विनी पैक के 10 बज चुके हैं, लोग सो भी गए होंगे, अंधेरा हो गया होगा, लेकिन अभी यहाँ पे देखो कितनी रोशनी है, पासपोर्ट निकाला ही नहीं। ये क्या अंदर जाना पड़ेगा इसके, कमर्शियल ट्रक्स एंड बसेस ओनली, ट्रकों वालों को अंदर जाना पड़ता है, इतना टाइम लगाएंगे ये बंदे, वो आगे वाले ने ब्रेकें दबाई तो है। मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे को मालूम नहीं, मैं इसको देखता नहीं उतर के जाता है कि नहीं जाता, गया हो गया, आगे वाले बंदे को देख लेते ना काफी कुछ मालूम पड़ जाता अपने आप को। चलो बाबा जी बॉर्डर क्लियर हो गया, हम जाने के लिए ऑल गुड हो गए भाई, अभी इन लोगों का मालूम नहीं क्या मसला बना हुआ है, अभी इन लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप कर दी दोनों ट्रेलर, मालूम नहीं क्या कर रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं ऐसा। अभी थोड़ा बहुत नेटवर्क आए ना तो मेरे को मालूम पड़े मेरे आवर कितने बाकी हैं, क्या हिसाब किताब है, मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ। एक शहर पड़ता है यहाँ से टॉक, मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक चले जाते हैं, अभी यहाँ से माइलें चालू हो गई, 55 माइल का रोड आ गया। वेलकम टू यूएसए भाई जी, लेकिन इस बार यूएसए वाले की ना एक एक्साइटमेंट और ही है, क्योंकि ये एक वो हिस्सा है यहाँ पे भाई हर एक नॉर्मल बंदा आके कुछ नहीं है, यहाँ पे बाय फ्लाइट लोग आते हैं, फिर बैक शहर पड़ता है वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, घूम घाम के वापस फ्लाइट चले जाते हैं, बाय रोड गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में नहीं आते, और जो लोग सर्दियों में फिर बैंक तक या एंकरेज को देखने के लिए जाते हैं, एंकरेज भी इनका एक शहर है जहाँ पे मैंने जाने की कोशिश करनी है, वहाँ पे सर्दियों में आप कार लेके परमिशन के बगैर जा ही नहीं सकते। चलो खाते हम कनाडा का ही है, लेकिन कनाडा और यूएसए में जो चीज सच्चाई होती है वो बोलनी चाहिए कि यूएसए के रोड जो है ना वो कनाडा से फार बेटर रहते हैं हर बार। ये देखो आया सामने बोर्ड, टॉक वाना टॉक वाना टॉक, 88 माइल्स हो गया, माइल्स अभी किलोमीटर में नहीं सोच सकते। ये यहाँ पे किसी का कैमरा पड़ा हुआ है, देखा ना बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे कैमरा पड़ा हुआ है, कहाँ है, अच्छा ये यहाँ पे कैमरा पड़ा होगा किसी। एक खासियत है इन कंट्रीज की, जहाँ पे भी इनका व्यू देखने वाला पॉइंट होगा ना वहाँ पे इन्होंने बोर्ड जरूर लगाया हुआ, अभी यहाँ पे आप फोटो खींच सकते हो,
व्यू देख सकते हो, कनाडा में लिखा होगा सीनिक व्यू पॉइंट और यहाँ पे कैमरे की फोटो लगी होती है। व्यू पॉइंट में भी ऐसा ही था, आज के आज ही मालूम पड़ जाएगा अपने टायरों की ग्रिप कितनी है। मेरे पीछे एक गोरा आ रहा है, गोरा, इसको मेरे को रास्ता देना पड़ेगा, उसकी स्पीड ज्यादा है। यार गो अहेड, कम इन। जब कोई भी बड़ा काम करना होता ना भाई, तो घर बार छोड़ने पड़ते हैं, बच्चा परिवार एरिया में छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम था कि गर्मियों में मैंने ये ट्रिप करना था लेकिन मेरे हाथ नहीं लगा, अभी सर्दियों में लगा है तो मैं छोड़ना नहीं चाहता था। इसको करके ही मेरे को सुकून मिलना था कि भाई मैं अलास्का जा के आया हूँ सर्दियों में, गर्मियों में मौका मिलेगा फिर से जाऊँगा। अरे रोड इनका भी उतना ही गंदा है जितना कनाडा, बड़ा गंदा था, मैंने ज़्यादा तारीफ कर दी इनकी। कभी कभी रोड इतना साफ हो जाता है बंदा ना 100 के ऊपर ट्रक ले जाता है, एकदम से उखली जाती है, ऐसा झटका लगता है, दिल जलता है, एकदम मेरी सांस अड़की रह गई कि गया लोड ऊपर से ट्रेलर से। अभी यूएसए ने आगे दिखा दिया कि भाई नहीं रोड ख़राब हैं हमारे, तो ये देखो नीचे ना रोड जमा हुआ है, 60-70 पे जा रहा हूँ आराम आराम से, और दूसरा इतने इतने बड़े टोए ना, बस उसकी वजह से काम ख़राब हो रहा है सारा। स्लेपना कड्डी मेरा भरा, चल जान दे जान दे, भाग भाग के ट्राई कर लेते हैं, 9 बजे इन्होंने बंद करना है, 9:05 हो गए। ये बहुत बड़ा कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाएगा, पिछले 2 दिन से कुछ नहीं मिला खाने के लिए अच्छा। 9 बजे तक बंद हो गया। रेस्टोरेंट क्लोज? या वी आर क्लोज, सॉरी, नो प्रॉब्लम। बस कराली बेइज्जती होगी, अभी आराम से जाके गाड़ी में जो भी है हल्का फुल्का वो अपना सेफ्टी वाला रखा हुआ है ना, खाओ सो जाओ। थोड़ा सा मैंने ना ट्रक मूव करना है आगे पीछे, ये कानून है ट्रकिंग का, जितना मर्जी थके हुए ना आप ब्रेकें खींच के, ये पूरी ग्राउंड अभी स्नो की भरी हुई है, मैंने वहाँ पे ट्रक खड़ा किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि नींद तो पूरी हो जाएगी लेकिन सुबह उठ के फिर थकना पड़ेगा, टायर घूमने शुरू हो जाएंगे फिर बाद में मसला बनेगा। 5-7 या तक अगर कर सकते 10 तक तो वेट कर लो, जो टायर है ना पूरे सूख जाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे कर दो, बाद में सेट हो जाएगा काम, क्योंकि जहाँ पे टायर नीचे लगे हुए ना ग्राउंड से, टायर गर्म है, जितनी भी स्नो होगी उन्होंने पहले पानी बनाना है, बाहर टेम्परेचर -12-13 है, वही पानी फिर से स्नो बननी है, समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। टायर ठंडे हो जाएंगे, जितना पानी बनना होगा बन जाएगा, थोड़ा टायर आगे पीछे कर दो, फिर बाद में कोई मसला नहीं। टेम्परेचर 12-13 है रात को, और ठंड हो जाएगी, अगर आपने इतना ही RPM रखा है 5-6 के ऊपर तो आपका ट्रक भाई सारी रात आपको हीट नहीं देगा, कूलर ठंडा हो जाएगा और आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, ठंडा लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये वाली ऑप्शन होती है इंजन आइडल एडजस्ट में, RPM लिखा हुआ है ना, ये ऊपर वाला एरो ऐसा दबाया, RPM गया ऊपर, दबाया, गया ऊपर, गया ऊपर, गया ऊपर। लॉन्ग डे भाई, लॉन्ग डे, कल अपनी पहली मंजिल के ऊपर पहुंच जाएंगे कल सुबह, तो ये ब्लॉग को मैं उसी शहर में फिर बैंक में जाके ही एंड करूंगा। ये भाई अपने कनाडा का ही है, इसका ट्रक बंद हो गया, बल्कि स्टार्ट नहीं हो रहा अभी, तो बूस्ट मांग रहा है, मैं सोया हुआ था, मैं बोला चलो यार कोई चक्कर नहीं हेल्प कर देते, कभी अपने को जरूरत पड़ जाएगी इसकी। ओके जान दे लाल, अगर टोरंटो तो ही स्लो वर्क करेंगे, ठंड वाली है, ट्रक बंद नहीं करना, 10 को ही बंदे डेप वाला चक्कर जाए, मैं क्या करना था, एक मिनट मड़ी मैं भी चकदा RPM। बंदे ने ट्रक बंद कर दिया था भाई ने, और ट्रक फ्रीज होना शुरू हो गया था, लेकिन बूस्ट दिया उसी टाइम बोलना शुरू कर दिया ट्रक ने, अभी कहीं मैं ना फंस जाऊं बाबा जी, स्नो बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे ना। तेरे को क्या हो गया सुबह सुबह, पार्क्ड रीजन रिकमेंडेड, रीजन मांग रहा है ये, रीजन लगाने के लिए ना इसका सूट लेवल होता है ना, यहाँ पर जाके ओके करना पड़ता है। ये गोरों के ट्रक देखो भाई, जो अलास्का में चलते हैं, इनकी स्पेक्स बड़ी हैवी होती है, 600 की मोटर है इनके पास में, और ये एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने नहीं रुका क्योंकि मेरा कुछ मूड नहीं है खाने का, अभी सुबह सुबह ही हुई है, तो मैं जाके फिर बैंक में कुछ ना कुछ खाता हूँ, यहाँ से 200-300 किलोमीटर होगा अपने को।
कल से चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं भाई। 3 दिन हो गए अभी तक तो हम बेस, जैसे ना माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप होता है, ऐसे ही जहाँ पे हमने जाना है उसका एक बेस कैंप है। तो हम तो अभी बेस कैंप के ऊपर नहीं पहुँचे, उसका बेस कैंप फेयर बैंक है। फेयर बैंक अभी मेरे को 250-250 किलोमीटर है। और जैसे जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखे थे ना बहुत सारे टायर चलते, उसके नीचे टायर की गिनती करना कि ये कितने एक्सल लेके चल रहे हैं। ये 2 डाले हुए इन्होंने एक के पीछे एक, अभी अगर दिखाई दिया तो ओवरवेट, मतलब कि कितना वेट होगा इनके पास में, इसलिए इतने टायर लगाए हुए हैं ना नीचे। पूरे अलास्का में और यूकॉन टेरिटरी में नॉर्थन कनाडा में आवर आपको 15 ही मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं आपके बुक के साथ में भी ऐसा होता है उसमें वायलेशन शो हो रही है और आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा ड्राइव कर दी है मेरे को 11 घंटे मिलने से, लेकिन नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। 15 घंटे ही मिलेंगे। आप अगर स्केल के ऊपर पुल भी होते ना, पुलिस ऑफिसर को जाके बता दो कि भाई मैं नॉर्थन कनाडा में हूँ लेकिन मेरी लॉग बुक में ये, वो अपने आप समझ जाएगा, आपको टिकट नहीं मिलेगी। ये अभी आ गए हम फेयर बैंक शहर में। अभी मेरे को एक पंप ढूंढना है जहाँ से मैंने टंकी फुल करवानी है, थोड़ा मुँह हाथ धोना है और बस निकलते हैं। मालूम नहीं मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं सही जा रहा। यहाँ पे ना AFD वाले पंप वाले हैं, इनके पास से डीजल बोलता है मिलते हैं, अंदर जाके पूछना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मैं गलत आ गया। Hello man, how are you? What's that? How are you? I can't hear you. How are you? I'm doing good, how about you? Yeah, can I get fuel here? Yeah, right there. Okay, so I have to go in? Yeah. Okay. अलास्का के पंप भी भाई अलोकारी हैं। अभी और भी होंगे शहर में, मेरे ख्याल में कोई ट्रकों का पंप तो होगा ही। ऐसा वाला टैंक लगा हुआ है AFD नाम है पंप का, वहाँ से पाइप लेंगे और उसमें डीजल फुल करेंगे। अलास्का में आके यही मिला है मेरे को, जो हमारा एक बंदा पहले आया ना उसने मेरे को बताया। ऑस्ट्रेलिया में जब हम गए थे तो ऐसे वाला टैंक देखा था मैंने वहाँ पे। वैसे तो ये लोग बोल रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो जाए, लेकिन फिर भी हम आधा आधा डाल के जाएंगे। वहाँ पर स्टार्ट हो गया 20 गैलन आ गया। यहाँ पे गैलन्स में होता है, बोलता है कि इतने फ्लैट टायर हैं तुम्हारे कि ये वहाँ जाने वाले नहीं हैं, ऐसे वाले टायर चाहिए अपने को, ओपन शोल्डर जो एक ही है अपने पास में, बाकी सारे दूसरे ही लगे हुए हैं। ज़रूरत से पहले हमने चेन अप कर लेना है। 123 गैलन मैंने डीजल डाला, $400 के थोड़े से ऊपर पैसे लगे US में, पर आपके पास में कैश होनी चाहिए या अपना वीज़ा कार्ड होना चाहिए। कंपनी के जो फ्यूल कार्ड है वो वहाँ पर यहाँ पर नहीं चलते भाई। अभी अपने को चाहिए 1-2 डब्बे डैप के, वो सामने एक पंप है वहाँ पे जाता हूँ, अगर वहाँ से मिल गया तो सही है। अपने को 2 चीज़ों की मार पड़ने वाली है, एक तो अपने टायर अच्छे नहीं है क्योंकि ये ट्रक आगे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो हम पीटर बैट लेके आ रहे थे ना उस ट्रक की ग्रिप अच्छी थी। बहुत सारे बंदों को मालूम नहीं होगी अलास्का के आगे जाने के लिए अभी और क्या बाकी रहेगा, क्योंकि अलास्का के मेन शहरों में तो घूम रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट रोड है, जो खतरनाक रोड है, वो इसके आगे शुरू होते हैं और तितर हो जाते। बस मुँह हाथ धोना है, मैंने 4 दिन हो गए नहाया नहीं मैंने, और नहाना मैंने पता कब है, जब मैं सही सलामत वापस इसी शहर में ऊपर से होके आ गया। ऊपर मीन्स की यहाँ से नॉर्थ में जा रहा हूँ मैं, यहाँ से नॉर्थ में 700 किलोमीटर। किसी का घर आ गया यार, मेरे को फ़ोन लेना है यहाँ से। मालूम नहीं कौन सी स्टेटों में घूमना पड़ रहा है, यहाँ पे एक सैटेलाइट फ़ोन रेंट पे लेके जाना है, इसके आगे मेरा मोबाइल नहीं चलेगा अगर एमरजेंसी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास टायर टूर तो है नहीं। ये वाला फोन अपने पास रहेगा। Sorry for that. Oh, no problem. Power band's on top. Hold down for about 3 seconds to turn it on. Okay. So now it says registered. For US and Canada calls, just 1 in the area code. Oh, just dial the number and... then the green button. Pretty straightforward. Please wait while your call is connected. So it takes a... there you go. Yeah. The red... we call a little... yep, the red button hangs up. Okay. Batteries are good for approximately 40 hours. There's a spare battery. It'll charge off of the USB port. 5-10 seconds. Hopefully, I will not use it. Perfect. And then, when you return it, right outside the fence, there's a big mailbox with a drop box. You can just drop it in there when you're done. हालातें देखा कैसे हो रही हैं? मेरे दिल से पूछो कि मेरा दिल क्या बोल रहा है अभी?
जब हो जाएगा तब और बातें होगी, जब तक नहीं होता भाई तब और बातें, वहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी बाई चांस जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो लोग डेली चलते हैं ना उनको मालूम है कहाँ पे चेन डालनी कहाँ पे नहीं। और नीचे रोड देखो और मेरे टायर देखो और ये वाला टायर देखो, ये वाला टायर तो हंसी वाला ही है भाई, बहुत रिस्क है इसका। अगर पहला ट्रिप लेके जा रहे हो ना जिंदगी में, तो ऐसे वाला ही एक फोन ले जाना, इसका एक हफ्ते का मैक्सिमम $100 होगा। बीच में अगर आप किसी से बात करते हो तो एक मिनट लगेगा, एक डॉलर लगेगा। खाने के लिए पकड़ना है एक्स्ट्रा और फिर निकलना है। डैप मैंने डाल ली है, पानी टैंकी होगी एक, मैंने यहाँ से अपना बॉक्स उठाया 10 लीटर का और मैंने डाल लिया है। और अभी डैप सर्कल के का पंप आ गया, अगर वहाँ से मिला तो एक आध डैप और लेके रख लेते हैं, लंबी लंबी सांसें लेंगे। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मालूम पड़ेगा प्रॉपर, मैं वहाँ पे बताऊँगा कि मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, क्या हालात हैं, क्या नहीं है, कैसे बीती है मेरे ऊपर। अगर सही सलामत मैं वापस आया तो आपको वीडियोस देखने के लिए मिलेगी, अगर नहीं आया तो रब के हवाले भाई जी। मेरे घर में मालूम नहीं है मैं कहाँ गया हूँ, मेरी कंपनी को मालूम है लेकिन घर में इंडिया में अरमान को सबको किसी को मालूम नहीं। लेकिन बाबा चढ़ती कला में रखे यार, मन में विचार तो बहुत आते हैं लेकिन कुछ हिस्ट्री बनानी होती है ना तो अपनी जो हदें होती हैं उसको क्रॉस करना पड़ता है। आपका भाई यहाँ पे साइनिंग ऑफ करता है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी आएगी। और इस ब्लॉग को मैं सीट के ऊपर बैठ के ही साइन ऑफ करूंगा। का भाई फेयर बैंक अलास्का से लाइक किए बगैर मत जाना, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, एक अच्छा सा कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है कि जो मैंने आपको बताया वाकई में सच होने वाली है, वही बातें सेम होंगी जैसे मैंने बताया। तब तक के लिए अपना और अपने पुराने का ख्याल रखो। आपका भाई करण चुकावा, रब राखा। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I.